स्टूडेंट, तो आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का सेकंड क्लास अटेंड करेंगे और आज सीखेंगे रिलेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो रिलेशन जो निकालेंगे अब दो सेट्स का, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पे ही रिलेशन फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि आप डेफिनेशन देखोगे बुक में रिलेशन का, कि रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी कैसे निकालते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 है। अगर मान लो सेट बी दिया हुआ है व ए बी दिया है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर जो होगा 1 2 3 को आप ए बी से क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का फिर 2 का ए के साथ निकालो, 2 का बी के साथ, 2 का हो गया ना सारा कहानी, फिर 3 का ले लो, 3A और 3 का B के साथ। तो देखो ये जो आप निकाले, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कहने का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। इसका मतलब 1A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। ठीक है, तो ये सब में आप कुछ भी अगर ले लो, जैसे मान लो मैंने R लिख दिया, तो R अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो हम इसी के कुछ मेंबर्स को लेके रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कोई मेंबर नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1B आ गया, यहाँ पे मान लो 2B आ गया, मान लो 3A आ गया। ठीक है, हमने इसके तीन मेंबर को लेके क्या किया, रिलेशन डिफाइन किया। तो ये जो रिलेशन है देखो, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट चूंकि बी से आया है, तो हम लिख सकते हैं आर जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, ये आर जो होगा, मान लो ये कोई सेट दे दिया हो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि इसको हमने मान लिया कितना, सी, क्या मान लिया, सी। तो सी जो होगा ये क्या होगा, सी इज रिलेशन, सी इज द रिलेशन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्लियर है ना, जैसे मान लो कि हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख दिया मैंने क्या चीज 1 2 3, और यहां पे हमने लिख दिया क्या, बी और ए लिख दिया। ठीक है, बी और ए, तो आप देख रहे हैं 1 का किसके साथ रिलेशन है, बी के साथ, 1 का ए के साथ दिया है ना, तो 1 का बी के साथ है, तो 1 का बी के साथ, 2 का देखो 2 का भी बी के साथ है, 3 का ए के साथ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दो एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट से क्या है, मैप्ड है। ठीक है, तो 1 और 2 का कॉमन इमेज क्या मिल रहा है, बी। 1 और 2 का कॉमन इमेज क्या मिल रहा है, बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 का एक इमेज क्या मिल रहा है, ए। तो ये जो रिलेशन बनाता है, जैसे इसके देखो इसके सारे मेंबर यहाँ पे इन्वॉल्व है ही, नो डाउट, तो ये जो है ना डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, कि जो रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 जो है ए और बी के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 को आप क्या बोलोगे, डोमेन बोलोगे, जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, ये डोमेन में क्या आ जाएगा, 1, 2, जिसके साथ रिलेशन बन रहा है वो कहलाएगा रेंज, क्या कहलाएगा, रेंज। और रेंज में यहाँ पे क्या होगा, बी और ए, या ए और बी लिख सकते हो जो भी। ठीक है, और एक वर्ड आप यहाँ पे सीखोगे, कोडोमेन, क्या सीखोगे, कोडोमेन। तो कोडोमेन कहते हैं सेट बी के सारे मेंबर, जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो ये बी के जितने भी मेंबर्स हैं ये सब क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, चाहे वो रिलेशन बनाए या ना बनाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया है 1 4 9 लिख दिया है, ठीक है, और एक मान लो मैंने ले लिया है 25। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर मैंने रिलेशन जो बनाया है ए से बी का, वो बनाया है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, कहने का मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और देखो ये 4 का स्क्वायर 25 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सेट ए के जो 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 ही क्या किया है, ये मैप्ड है सेट बी के 1 4 9 के साथ। तो यहाँ पे डोमेन जो होगा, वहां पे डोमेन जो होगा 1 2 3 होगा। ठीक है ना, जो एलिमेंट्स सेट ए के बी के साथ मैप्ड होंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और बी के जो एलिमेंट मैप्ड है ए के साथ वो कहलाएगा रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, 1 4 और 9। ठीक है, जिसके साथ मैप्ड है, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट जिसके साथ मैप है वो क्या कहलाएगा, रेंज। और कोडोमेन का मतलब हो गया सेट बी के सारे एलिमेंट, 1 हो 4 हो 9 हो 25, आइदर वो मैप्ड हो या ना हो। तो समझ में आया ना, ये डोमेन किसको बोलोगे, रेंज किसको बोलोगे, कोडोमेन।
किसको बोलोगे? 11 स्टैंडर्ड में रिलेशन को लोग बहुत बेसिक स्टैंडर्ड से, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को यहाँ पे हम लोग 11 में पढ़ते हैं। यही 12 में जाएंगे तो रिलेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ रिलेशन के जो टाइप होंगे, ठीक है, रिलेशन के जो टाइप होंगे ये तीन प्रकार के रिलेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला रिलेशन जो मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और तीसरा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और ये जो जो कार्टिजियन प्रोडक्ट ए और बी का आप कार्टिजियन प्रोडक्ट जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये सबको मिला दो तो बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बनेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूं इसके विषय में, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलोगे? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यदि ए रिलेशन ए, ठीक, ए रिलेशन ए, अब ए रिलेशन ए क्या होगा मैं बता रहा हूं, वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मान लो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए ए रिलेशन बी हो इम्प्लाइज बी रिलेशन ए हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो, और इम्प्लाइज ए का रिलेशन किसके साथ हो? सी के साथ, उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो मैं क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है तो उसका हम भी तो दोस्त है, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब मान लो ट्रांजिटिव में राम श्याम का दोस्त है, श्याम मोहन का दोस्त है, तो हो सकता है राम और मोहन में भी आपस में क्या होगा? दोस्ती हो सकता है। नो डाउट। कहने का मतलब क्या कि एक संभावना तो बनता है ना यहाँ पे कि राम मोहन को जानता है, मोहन मान लो सोहन को जानता है, तो राम और सोहन भी एक दूसरे को जान सकता है। तो इस तरह का जो अगर घटना घटता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे कार्टिजियन प्रोडक्ट लिया ये 1A, ठीक है, तो 1A, तो देखो 1 इसमें ना ये नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, कोई नहीं है। क्या 1-1 किसी के साथ मैप है? नहीं है। AA, बी और बी, 2 और 2, A और A, इस तरह का कुछ भी हमको एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपने लिया है किसको लिया? मान लो हमने सी को मान लो ले लिया, ये तो चलो क्या दिया हुआ है? कार्टिजियन प्रोडक्ट। आप इसमें भी जज कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी जज करोगे तो देखो ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो ए रिलेशन ए को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या सिमेट्रिक होगा? तो 1B और B1 देखो नहीं है, 1B है लेकिन B1 नहीं है, 2B है लेकिन B2 नहीं है, नहीं है ना। अब देखो ये क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो 1 का बी के साथ, बी का किसी के साथ है ही नहीं, 2 का बी, बी के साथ, बी का किसी के साथ है ही नहीं, अब क्या होगा? तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। कहने का मतलब ये नॉर्मल रिलेशन है जो सिर्फ डोमेन रेंज और कोडोमेन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि हम कैसे निकालेंगे। अब रिफ्लेक्सिव कौन होगा, सिमेट्रिक कौन होगा, ट्रांजिटिव कौन होगा, ये देखो डिपेंड इस पे करेगा। जैसे मान लो आर बराबर, ये कैसे होगा? ये डिपेंड करेगा ए का ए के साथ आप कार्टिजियन प्रोडक्ट निकालो, तब आपको ये तीनों चीज देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मान लो ए बराबर हमने लिखा 1-2 और हम ए का ए के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ए का ए के साथ कार्टिजियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं पहले, तो 1 और 1, 1-2 का 1-2 के साथ क्या होगा बताओ? 1-1 होगा, 1-2 होगा, 2-1 होगा, और क्या होगा? 2-2 होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1-1 बिलोंग्स टू क्या है? आर। इसका मतलब ए रिलेशन क्या है? ए। देखो दोनों में आ रहा है ना कॉमन, इसका मतलब ये वाला कंडीशन क्या दिखाएगा? ट्रांजिटिव दिखाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने लिखा 1-2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज देखो 2-1 भी तो बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए रिलेशन बी, इम्प्लाइज बी रिलेशन क्या है? ए। तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1-2 रिलेशन है, 2-1 है, तो 1-1 भी तो है, देखो ना, या 1-1, 1-2, ठीक है, तो ये देखो 2 का 1 के साथ है ना, या फिर ऐसे देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी हमको मिलने वाला है। ट्रांजिटिव का सिंपल सा मतलब है ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन मान लो सी के साथ, इम्प्लाइज ए का रिलेशन किसके साथ हो? सी के साथ हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 1 का आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो,
वन का टू के साथ, ठीक है, फिर टू का टू के साथ, तो वन का टू के साथ तो है या टू का वन के साथ, है ना। ऐसा इसमें मेंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूं, जैसे मान लो कि हम ले रहे हैं टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ, ठीक है ना, टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ और टू का फोर के साथ। अब देखो यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, टू का फोर के साथ, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा ना वो आपको ट्रांजिटिव शो करेगा, ठीक है। तो अभी 11th स्टैंडर्ड में आपको इसके विषय में बहुत डिटेल नहीं दिया है, यही आप आरएसएल वाली आरडी शर्मा बुक स्टडी करते हैं तो वहां पे ध्यान दोगे, दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव के विषय में भी, सिमेट्रिक के विषय में भी और ट्रांजिटिव के विषय में। जब ये रिलेशन डिफाइन करना हो तो हमको ए का ए के साथ क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। लेकिन डोमेन, कोडोमेन और रेंज अगर निकालना है तो जनरली आपको ए का बी के साथ क्या दिया रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक है ना, ए का बी के साथ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर 11th स्टैंडर्ड में आपको ए बी का ज्यादा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। और यही जब जाएंगे हम लोग हायर स्टैंडर्ड में तो हम लोग इसको बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं, जैसे 12th में रिलेशन फंक्शन ना बहुत डिटेल से इसको पढ़ाते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्या कहानी है, समझ रहे ना। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन है क्या। आप देखो इसी के आधार पर आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। डोमेन समझ में आ गया ना, डोमेन जो रिलेशन बनाएगा उसको डोमेन कहेंगे, रेंज जिसके साथ बनाएगा, और कोडोमेन सेट बी के सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे, को डोमेन कहलाएंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का, इसके अकॉर्डिंग सारे सवालों को बनाते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.2, इससे पहले मैंने 2.1 पूरा बताया हूं आपको, ठीक है, और इसके बाद का एक्सरसाइज फंक्शन पे बेस्ड होगा। तो चलो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है ए सेट ए बराबर दिया हुआ है, मेंबर 1 है, 2 है, 3 है, अप टू कहां तक, 14 तक है, ठीक है ना। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ए टू ए का मतलब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से कहानी पूछ रहा है, ठीक है ना, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से। रिलेशन क्या दिया है, देखो रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट 3x-y बराबर कितना, 0, वेयर वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या चीज, ए। तो हम ए का ए के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब निकाल सकते हैं, ठीक। ज्यादातर सवाल आपको ए का बी के साथ मिलेगा अलग अलग सेट का, लेकिन सेम सेट के बीच हम लोग सारा कहानी कर सकते हैं, चाहे डोमेन निकालना हो, कोडोमेन निकालना हो या रेंज निकालना हो, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे जज भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा, अगर सब होगा तो वो इक्विवेलेंस भी होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो रिलेशन क्या क्या निकल सकता है, यहाँ पे जैसे एक्स का मान हम क्या लेंगे, देखो अगर मान लिए तो वन लिए तो बताओ कितना होगा, 3 × 1, 3 - कितना करेंगे, 3, तब ना 0 होगा। तो जो जो 1 से 14 तक संख्या है इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो रिलेशन में आ जाएगा सर। अब जैसे मान लो एक्स का मान 2 लिए तो 3 × 2 = 6, 6 में कितना जाएगा तो 6, 3 लिए तो एक्स का मान 3 × 3 = 9, 9 में 9 घटाएंगे तो 0। अगर 4 लिए तो 4 × 3 = 12, 12 में कितना घटाओगे, 12, तो 4 × 12 हो जाएगा। इसके बाद देखो 5 अगर लोगे तो 5 × 3 = 15, अब यहाँ पे 15 है ही नहीं, इसका मतलब अब कोई भी मेंबर रिलेशन में नहीं आएगा। इसी को अगर आप मैप करना हो अगर, ठीक है, जैसे ए सेट ए सेट ए दोनों यहाँ पर आ रहा है, ये देखो 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है 3, 6, 9, 12, तो 1 3 के साथ मैप, 2 6 के साथ मैप, 3 9 के साथ मैप और 4 किसके साथ मैप है, 12 के साथ। तो अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, देखो ऐसे बनाओगे तो डोमेन जो पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना, ये रिलेशन बनाने में तो 1, 2, 3 किया है पार्टिसिपेशन, तो 1, 2, 3, 4 किसके साथ किया है, तो वो रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज 3, 6, 9, 12। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अगर ऐसा सेट बना दिए तो वो कोडोमेन को क्या समझ लेते हैं, सेट भी कोडोमेन, तो 3, 6, 9, 12 नहीं,
कोडोमेन में सारे मेंबर्स आएंगे जो ए में दिए हुए, क्योंकि एक ए में सिर्फ इतने मेंबर नहीं है, ए में बहुत सारे मेंबर है। कौन कौन है? जैसे यहाँ तो 3, 6, 9, 12 के साथ ना ये रिलेशन बनाया, लेकिन इसमें और कौन कौन मेंबर है देखो यहाँ पे कैसे लिख दू। जैसे मान लो हमने ऐसा लिख दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखो इतने सारे मेंबर है। तो ये 1 का सिर्फ मैपिंग किसके साथ हुआ था? तो 1 का 3 के साथ। 2 का मैपिंग किसके साथ हुआ था? 2 का 6 के साथ। 3 का मैपिंग देखो 9 के साथ हुआ था, तो यहाँ पे। और 4 का मैपिंग किसके साथ? 12 के साथ। तो मान लो यहाँ पर हुआ। अब देखो इसमें बहुत सारे मेंबर तो लेफ्ट बच गए ना, तो कोडोमेन में सारे मेंबर्स आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक? 14 तक। ये आंसर होगा। तो यहाँ पर गलती नहीं करना कोडोमेन निकालने के दौरान। कोडोमेन में सेट बी के सारे मेंबर लेंगे, और सेट बी की जगह यहाँ पे क्या है? ये है, क्योंकि हम ए का ए के साथ क्या निकाल रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 में देखिए कैसे बनाएंगे। बोला डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर, तो रिलेशन आर देखो क्या दिया है, आर दिया है एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5, ठीक है। और बोल रहा है x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, x एक नेचुरल नंबर है, सेट a जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 में क्या होगा? 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट ऑन द डोमेन एंड रेंज। चलो तो रोस्टर फॉर्म में पहले आपको दिखाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। ए का इसके साथ रिलेशन बनाना है, ए का बी, बी क्या है? वाई बराबर एक्स प्लस 5, ठीक है ना। बी क्या है? वाई बराबर कितना? एक्स प्लस 5, ठीक है, वाई बराबर एक्स प्लस 5। अब देखो रिलेशन क्या क्या होगा, ध्यान दो। जैसे मान लिए तो कितना आया? 6। 2 लिए तो कितना आया? 7। 5 लिए तो कितना आया बताओ? 5 नहीं लेंगे, सॉरी 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है ना? तो देखो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब डोमेन बताओ, डोमेन अगर बोलेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? तो 1, 2, 3, यही ना रिलेशन बनाया है। किसके साथ? बी के साथ। तो जिसके साथ बनाया है वो क्या हो जाएगा? रेंज। तो रेंज हो जाएगा 6, 7, 8। क्लियर है? अब देखो कोडोमेन तो इसमें पूछ नहीं रहा है, कोडोमेन अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर के साथ है तो फिर नंबर सिस्टम आ जाएगा पूरा। इसलिए यहाँ पे कोडोमेन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है डोमेन और रेंज की कहानी, ठीक है। बना सकते हैं इस तरीके से। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाइएगा, आप बुक खोल के हमेशा बैठिए जब भी आप वर्क कर रहे हैं एनसीईआरटी से। तो और सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप 11 में हैं तो आप एनसीईआरटी पहले बनाइए, साइड बुक को भी छोड़िए, एनसीईआरटी पे कमांड कीजिए, उसके बाद जब समय मिले तो साइड बुक के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखो क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही पैटर्न पे आता है, और एनसीईआरटी हमारे माइंड को बहुत एक्टिव करता है, क्योंकि इसका हर क्वेश्चन का पैटर्न इसका एक स्टैंडर्ड होता है, समझ रहे ना। ये माइंड को बहुत ज्यादा मैच्योर करता है, ठीक है। और मैथ्स हम लोग बनाते क्यों? मैथ्स हम लोग साइंस को अच्छे से समझने के लिए बनाते हैं, क्योंकि मैथ्स साइंस का एक टूल्स माना जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ टूल्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो देखो 3 में दिया है कि सेट ए बराबर 1, 2, 3, 5 और सेट बी बराबर दिया है 4, 6, 9। अब देखो बोल रहा है डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर बराबर, रिलेशन देखो क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, क्या आएगा? ऑड। और बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए है कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, क्या क्या आएगा रिलेशन बताओ, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या आना चाहिए? ऑड। तो देखो 1 का 4 के साथ बनेगा, क्योंकि 1 और 4 के बीच का डिफरेंस देखो ऑड आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 क्या ऑड नंबर है।
क्या वन का सिक्स के साथ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या वन का नाइन के साथ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वन और नाइन के बीच अगर आप देखोगे तो डिफरेंस इवन आ जाएगा, ठीक है। टू का फोर के साथ नहीं बनेगा, टू का सिक्स के साथ नहीं बनेगा, लेकिन टू का नाइन के साथ बनेगा, ठीक है, क्योंकि टू और नाइन के बीच का डिफरेंस ऑड है। देखो नाइन में से टू जाएगा, सेवन बचेगा। अब देखो थ्री का किसके साथ बनेगा? थ्री का फोर के साथ बनेगा, फिर थ्री का सिक्स के साथ बन जाएगा, ठीक है, और थ्री का नाइन के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि नाइन माइनस थ्री सिक्स होता है, ठीक है। फाइव का देखो, फाइव का फोर के साथ बनेगा, फाइव का सिक्स के साथ बनेगा, लेकिन फाइव का नाइन के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि फोर आएगा जो कि इवन है। अब बोल क्या रहा है? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, बस हो गया, यही हमसे पूछा था और कुछ नहीं करना। रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो, कह रहा है फिगर 2.7 शोज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, राइट इट्स सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसमें करना क्या है, जैसे कि एक सेट पी है, पी दिया है 5, 6, 7 और दूसरा सेट क्यू दिया है, ठीक है ना, क्यू दिया है 3, 4, 5। अब देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन मैप्ड किया गया है। तो हमको बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन रेंज बताओ। तो डोमेन तो सबसे आसान लिखना, डोमेन यहीं पे लिख दो, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा 5, 6, 7। रेंज बराबर क्या लिखोगे? रेंज बराबर देखो 3, 4, 5 सबके साथ मैप्ड है ना, तो ये सारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, कोई एलिमेंट लेफ्ट तो है नहीं, अगर रहता तो फिर को डोमेन में लिखते, तो बस डोमेन रेंज पूछा। अब मान लो रिलेशन हमसे पूछ रहा है, तो रिलेशन को दो तरीके से बोल रहा है लिखने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है, 5 का 3 के साथ मैपेंगे, 6 का 4 के साथ मैपेंगे और 7 का 5 के साथ मैपेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो ना एक्स वाई। अब देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो आप एक्स वाई सच दैट क्या लिख सकते हो? द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज कितना? इज 2। समझ रहे हैं ना, पी एंड क्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा, ओके। बस इसको अपना लैंग्वेज, जो आपको समझ में लैंग्वेज आए, कोई ऐसा भी लिख सकते हो एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन, अब द डिफरेंस बिटवीन वाई बराबर आप क्या मानोगे? एक्स माइनस, जैसे कि अगर वाई जो भी निकलेगा हमारे पास उसका डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो वाई माइनस एक्स माइनस वाई ना, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। देखो एक्स वाई जो भी आप मेंबर लोगे यहाँ पे, इसका डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाएंगे, चलो टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें, समझो 5 नंबर। 5 में देखो बोल रहा है लेट सेट ए बराबर इतना एंड 1, 2, 3, 4, 6 है, लेट आर बी द रिलेशन। अब देखो जो जो दिया है पहले लिख लो, सेट ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4 और 6। आर देखो रिलेशन क्या दिया है, ए बी सच दैट ए कॉमा बी belongs to A और B is exactly divisible by A, ठीक है ना, यही कहानी दिया है। अब बताओ क्या क्या रिलेशन बनाओगे? रिलेशन देखो A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। अब आपको पहले रिलेशन लिखना है, तो बताओ यहाँ पे बोल रहा है ए बी बिलोंग्स टू ए, सारे मेंबर ए से बिलोंग होंगे, इसका मतलब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही मेंबर जो होंगे रिलेशन में आएंगे। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है, तो देखो 1, 2 होगा पहले, क्योंकि देखो बी हो गया 2, ए हो गया 1, तो 2 जो है एक से क्या है, डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो 1 का तो सभी के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ, अच्छा 1 का 1 के साथ भी बनेगा, ठीक है, पहले 1 का 1 के साथ भी बना लेते हैं, फिर देखो 1 का 2 के साथ भी बनेगा, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का तो सभी के साथ बनेगा, 4 के साथ भी बनेगा और 6 के साथ भी बनेगा, क्लियर है ना। अब देखो 2 का किसके साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 6 के साथ बनेगा और 2 का 2 के साथ भी तो बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। देखो 2 2 से डिविजिबल होता है ना। अब देखो 3 का किसके साथ बनेगा, 3 का 3 के साथ तो बनेगा ही,
थ्री का सिक्स के साथ भी बनेगा। अब तो मेरे समझ से कोई नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए ना, फोर का फोर के साथ तो बनेगा ना, और सिक्स का सिक्स के साथ बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो सिक्स सिक्स से डिवाइड होगा, फोर फोर से डिवाइड होगा, हमसे बोल रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो देखो बी हो गया वन, वन वन से डिविजिबल है, टू वन से डिविजिबल है, थ्री वन से, फोर वन से, सिक्स वन से, फोर टू से डिविजिबल है, सिक्स टू से, टू टू से डिविजिबल है, थ्री थ्री से, सिक्स थ्री से, फोर फोर से, और सिक्स सिक्स से, ठीक। अब देखो क्या क्या कहानी हमसे पूछा है इसमें। पहला बोल रहा है आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हो गया, ये आंसर पहला का निकल गया। दूसरा देखो फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन में कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट है, देखो वन पार्टिसिपेट है, टू पार्टिसिपेट है, थ्री पार्टिसिपेट है, फोर पार्टिसिपेट है, सिक्स पार्टिसिपेट है, तो ये हो जाएगा डोमेन। थर्ड में देखो बोल रहा है रेंज निकालने, रेंज ऑफ आर, ये डोमेन ऑफ क्या निकाले हो, आर, रेंज ऑफ आर, देखो क्या क्या निकलेगा, तो जिसके इसके साथ मैपिंग है, तो मैपिंग किसके साथ है, देखो वन के साथ है, टू के साथ है, थ्री के साथ है, फोर के साथ है, ठीक है ना, देखो वन के साथ, टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ, सिक्स के साथ भी है, फिर फोर सिक्स, टू थ्री सिक्स फोर, यही आएगा ना, तो मेंबर को हम लोग रिपीट नहीं करते सेट में लिखने के दौरान, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अगर बोलेगा इसको इमेज डायग्राम करके दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे बताओ, वन टू थ्री फोर सिक्स ले लेना, और यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर सिक्स ले लिए, ये सेट है, ये भी सेट, कितना ए। अब देखो वन का सबके साथ मैपिंग है, तो वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ, वन का फोर, वन का सिक्स के साथ। अब देखो मैपिंग टू का किसके साथ है, तो टू का टू के साथ, टू का फोर के साथ, फिर देखो टू का सिक्स के साथ भी है इस तरीके से, फिर देखो थ्री का थ्री के साथ, थ्री का सिक्स के साथ, फिर फोर का फोर का फोर के साथ है, और सिक्स का सिक्स के साथ है, ऐसे मैपिंग होगा, ओके। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आसान एक्सरसाइज है, हम लोग बहुत ज्यादा क्या बोले समय नहीं देंगे, क्योंकि इसमें बस एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे को लगता है आपका याद हो जाएगा कि कैसे बनेगा सवाल, प्रैक्टिस करो जितना हो सके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स कैसे बनाएंगे, सिक्स में देखो अब कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर बराबर। अब देखो रिलेशन आर क्या दिया हुआ, एक्स कॉमा एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना, और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, ठीक है, इसके बाद फोर है, फाइव है, ये कहानी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोल क्या रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान तो है, आर बराबर बताओ क्या क्या होगा, ये एक्स पहला मेंबर हो गया, एक्स प्लस फाइव दूसरा मेंबर है, तो देखो अगर पहला मेंबर हम यहाँ पे क्या लेते हैं एक्स जीरो, तो हमको दूसरा मेंबर क्या मिलेगा, जीरो प्लस फाइव। दूसरा देखो वन अगर लेंगे तो अगला क्या मिलेगा, सिक्स। टू लेंगे तो अगला क्या मिलेगा, सेवन। थ्री लेंगे तो अगला क्या मिलेगा, एट। फोर लेंगे तो अगला क्या मिलेगा, नाइन। फाइव लेंगे तो अगला क्या मिलेगा, टेन, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिल रहा है, दे रहा है ना, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू कितना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब बताओ डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, और कितना, फाइव होगा। रेंज क्या हो जाएगा, तो जिसके इसके साथ मैप है, तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है ना, यही पूछा था ना, डोमेन एंड रेंज। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में बोल रहा है राइट द रिलेशन आर, आर बराबर देखो क्या कह रहा है, एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन टेन, लेस देन टेन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना, तो देखो प्राइम नंबर पहले किसको बोलोगे ये बताओ, प्राइम नंबर कहते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे बच्चा लोग गड़बड़ क्या कर देता है, वन को प्राइम नंबर मानता है, मान के चलो वन एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, डिसाइड कर लो आज से कि वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, याद रखेंगे, तो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री, ये सब प्राइम नंबर होता है, ठीक है।
तो देखो 10 से छोटा कौन कौन प्राइम नंबर है, तो देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो कोई नहीं है, 2, 3, 5, 7, क्योंकि अगला 9, 9 आपका ऑड है, फिर 9 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 10 से बाहर है। तो हमसे बोल रहा है x जो है प्राइम नंबर होगा 10 से कम, इसका मतलब सेट ए के अंदर हमको कौन कौन एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, ये 2, 3, 5, 7 ही मिलने वाले हैं। सेट फिर से अगर मान लो हम बी ले लेंगे तो बी क्या क्या होगा, तो 2 का क्यू, तो 2 का क्यू बोलो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 का क्यू, 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 5 का क्यू, 5, 5 जा 25, 5 जा 125, 7 का क्यू, 7, 7 जा 49 × 7, 343 होगा ना, 9, 7, 3, 6, 7, 28, 6, 34, हाँ 343। इसका मतलब रिलेशन क्या क्या बनेगा, 2, 8 बनेगा, 3 का 27 के साथ, 5 का 125 के साथ, और 7 का 343 के साथ, ठीक है ना, 7 का 343 के साथ। तो बताओ डोमेन क्या लिखोगे, तो डोमेन जो होगा इसके साथ मैपिंग करने के लिए आया था, तो 2 आया था, 3 आया, 5 आया, और क्या आया, 7 आया। रेंज बताओ, रेंज क्या क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 125 होगा, और 343 हो जाएगा। और कुछ पूछा है, और तो कुछ नहीं पूछा है, बस हम लोग से तो बस यही पूछा था कि रिलेशन डिफाइन कर दो, ये नहीं पूछ रहा था कि डोमेन रेंज क्या होगा, तो आप लिख सकते हो, ठीक है अगर पूछे तो। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, दो क्वेश्चन बच गया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आसान लगा ना एक्सरसाइज, बहुत आसान है रिलेशन, रिलेशन फंक्शन का ये टॉपिक आसान है, थोड़ा सा आपको फंक्शन लगेगा, लेकिन वो भी अगर अच्छे से समझ जाओगे तो पता चल जाएगा कौन रिलेशन फंक्शन होता है, कौन रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए बोल रहा है लेट ए बराबर सेट ए का मान एक्स वाई जेड दिया है, और सेट बी का मान दिया है 1 और 2, ठीक है। हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन सारा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए का मान हमको मिलेगा 3, और यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स कितने मिल जाएंगे 2, तो एन ऑफ ए कार्टिजियन प्रोडक्ट बी के जो मेंबर होंगे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी बराबर 3 × 2 बराबर कितना 6। इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस जो हमसे पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी जो पूछा है, वो जो हो जाएगा इसके टोटल सबसेट। तो टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर n, तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना होगा 6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिलेशन टोटल कितना निकल जाएगा 2 पे पावर 6। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि आर विद रिलेशन जेड डिफाइंड बाय दिस, तो देखो क्या डिफाइन किया है, ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड बोले तो इंटीजर है, ठीक है ना, कॉमा ए माइनस बी इज एन इंटीजर दिया है। अब बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको डोमेन भी लिखना है और क्या लिखना है, रेंज भी लिखना है। अब बताओ क्या होगा डोमेन, अब बोल रहा है ए बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी दोनों किससे बिलोंग कर रहा है जेड से, तो ए माइनस बी क्या आएगा इंटीजर आएगा, तो स्वाभाविक है डोमेन भी जो बनेगा वो क्या बनेगा इंटीजर ही होगा, और रेंज भी इसमें कोई आएगा तो इंटीजर ही आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप इंटीजर इंटीजर का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर कहते किसको है, इंटीजर हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज व्हाट इंटीजर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आप इंटीजर के फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग सारे सवालों को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डोमेन ऑफ जो नंबर्स होगा रिलेशन वो भी इंटीजर होगा, रेंज ऑफ रिलेशन ये भी क्या होगा इंटीजर्स होगा। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आंसर लिख देना है कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो होगा जेड एंड रेंज ऑफ ये रिलेशन कौन होगा जेड, क्योंकि ए और बी इंटीजर और इंटीजर का डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा।
तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 जो होता है बच्चों कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 2.3। 2.3 किस पे बेस्ड होगा? फंक्शन पे। तो फंक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है कि किस रिलेशन को हम कहेंगे कि फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन ना देखने में आपको लगेगा फंक्शन के जैसा, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन होगा नहीं।